आदाब, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज़। मेरे साथ जनाब संदीप पांडे साहब हैं जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं। अब संदीप जी, आज आप यहाँ बड़े माम बड़े में आए हुए हैं, जो प्रोग्राम था 3 नवंबर को यादशोदा, किस तरीके से आप इस चीज़ को समझते हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहा जाता है, सैयद नसरुल्ला शहीद सैयद नसरुल्ला को आतंकवादी कहा जाता है, उसी के मुखालिफत में यहाँ पर यह प्रोग्राम था, आप यहाँ पर आए एज अ गेस्ट है, किस तरीके से आप इस चीज़ को समझते हैं? देखिए, जैसा मैंने अपने भाषण में भी आज कहा जी, कि हिजबुल्ला और हमास जी, ये दोनों संगठन चुनाव लड़ते हैं जी। आप चुनाव लड़ने वाले किसी संगठन को आतंकवादी संगठन नहीं कहते हैं जी। हमास की तो सरकार है गजा में जी, और हिजबुल्ला के लेबनान की पार्लियामेंट में सदस्य हैं, तो ये बाकायदा अपने देशों में चुनाव लड़के सरकार बनाने वाले या उसकी कोशिश करने वाले संगठन हैं। इनको आतंकवादी संगठन बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो आतंकवादी संगठन है, उनको आप देखें पूरी दुनिया में, उसमें से कोई चुनाव नहीं लड़ता जी। और ये तो इनको सिर्फ बदनाम करने के लिए, देखिए इस लड़ाई में इसराइल पहले दिन से कह रहा है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे जी। वो चाहते हैं कि हमास की सरकार वहाँ ना रहे, और उनकी बस चले तो वो महमूद अब्बास की सरकार बनवा देंगे जो उनके अनुकूल हैं। लेकिन इस समय जो इसराइल कर रहा है, जो उसने लगातार एक साल से ऊपर हो गया हमला किया और बच्चों के अस्पताल पे, राहत शिविरों पे हमला किया, ये युद्ध अपराध है। और अब जो वो कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन इन द नियर ईस्ट, उस पे जो प्रतिबंध लगा रहा है, और जो राहत का सामान वहाँ गजा में जा रहा था, दवाइयाँ हैं, खाने पीने के सामान हैं, उसको रोकने का मतलब है कि वहाँ लोग भूख से मरेंगे जी। तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और हम इसका विरोध करते हैं। और हमने भारत सरकार से मांग की है कि इसराइल के साथ आप राजनयिक संबंध अपने ख़त्म कीजिए, और दुनिया के मुल्क अगर इसराइल के ऊपर दबाव डालेंगे तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति ख़त्म हुई, इसराइल का अत्याचार भी एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा जी। इंडियन मीडिया में जिस तरीके से देखने को मिला कि उनकी शहादत के बाद उन्हें आतंकवादी कहा गया, जिसका लखनऊ में पुरजोर विरोध किया गया, चूँकि आप अनुभवी हैं, इस चीज़ को आप समझाइए कि ये इंडियन मीडिया, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने भी हमास को और हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन नहीं माना है, तो इंडियन मीडिया इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है उन्हें आतंकवादी घोषित करने के लिए? लगातार 5-5 दिन, हफ्ते भर एक शो चल रहा है उन्हें आतंकवादी कहने के लिए, आप इस चीज़ को समझाइए। देखिए, मीडिया तो आप जानते हैं, सिर्फ यही मामला नहीं है, दूसरे मामलों में भी वो सनसनीखेज खबरें चाहते हैं जी। हाँ, इसलिए आप देखें, आतंकवाद वाला जो मामला है, अपने देश के भी अंदर जो घटनाएं हुई उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो मीडिया तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है और वो सनसनीखेज खबरों को चाहता है, इसलिए वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। और दूसरा कुछ ये भी है कि देखिए, ये कुल मिला के खेल जो है, ये साम्राज्यवादी देशों का है, वो दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों पे चाहते अपना कब्ज़ा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि छोटे मुल्क उनके हिसाब से चलें, तो मीडिया सारी उनके हाथ में है, इसलिए वो जो कहते हैं वही मीडिया कहती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव पारित है कि फ़िलिस्तीन एक मुल्क है, और हमारी ये भी मांग है कि फ़िलिस्तीन को एक मुल्क का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ को देना चाहिए। शुक्रिया संदीप जी। आप सुन रहे थे संदीप पांडे को, जिन्होंने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर और जो हिजबुल्ला हमास के तमाम जो ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है, उन पर इन्होंने अपने विचार रखे। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़, कैमरामैन ताह के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।